गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज जपनीत, वेलकम बैक। आई होप यू गाइस आर फाइन एंड सेफ। आज की वीडियो में बात करेंगे प्रेडिक्शन के बारे में 10th December, जो कि कल एग्जाम होने वाला है। सबसे पहले लिसनिंग की बात कर लेते हैं। तो गाइस, ये चीज़ तो पक्की है कि एग्जाम थोड़े अभी ईजी चल रहे हैं, ठीक है, यू डोंट नीड टू वरी। बट हाँ, एक चीज़ मस्ट है, दैट इज योर प्रेपरेशन। इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग वेल, देन डेफिनेटली यू विल गेट योर डिजायर्ड बैंड स्कोर। ये प्रेडिक्शन एक गैस वर्क है जिससे आपको थोड़ा बेनिफिट हो सकता है। टॉकिंग अबाउट लिसनिंग, इट इज एक्सपेक्टेड टू बी ईजी। ईजी आने के चांसेस हैं और सेम रीडिंग में रहेगा। रीडिंग का मैंने आपको बताया था कल के एग्ज़ाम में, 8th के एग्ज़ाम में, कि भाई ईजी से मॉडरेट रखते हैं इसको। एंड जस्ट 2 कमेंट्स ऐसे थे जो बता रहे थे कि हाँ थोड़ा डिफिकल्ट या मॉडरेट था। बट मेरे 5 स्टूडेंट्स ने एग्ज़ाम दिया था, सब ने बोला कि सर ईजी या ईजी से मॉडरेट, है ना। डिफिकल्ट या मॉडरेट किसी ने नहीं बोला, ईजी से मॉडरेट या ईजी। एंड सेम ही लेवल प्रॉबेबली देखा जाएगा आने वाले एग्ज़ाम में, जो कि कल होगा 10th December को। टास्क 1 अगर कल की बात करें तो कई जगह पर बार, टेबल एंड पाई आए थे। अभी जो चांसेस हैं वो है बार तो देखो रहेगा, है ना, दैट इज़ फॉर एवर। एटलीस्ट ईयर के एंड में जाके बार तो चलते ही चलते हैं, है ना, ऑल द टाइम। कभी भी कौन सा भी आप ईयर देख लो, 2021, 2020, 2019, लास्ट में जो भी एग्जाम्स आए हैं ईयर के एंड में जाके उनमें बार देखने को मिला है। और इसके अलावा लाइन आने के चांसेस है, मैं फिर से पाई डेफिनेटली बोलूंगा कि पाई के चांसेस हो सकता है कि आ जाएं फिर से। एंड टास्क 2 स्टैंडर्ड लेवल, अग्री और डिसएग्री या फिर डिस्कस बोथ व्यूज एंड गिव योर ओपिनियन, ये दोनों आ सकते हैं। दिस इज द फाइनल प्रेडिक्शन फॉर टुमारोज टेस्ट। इसके बाद 17th की आएगी, यू गाइस डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट एज वेल। ऑल द बेस्ट एंड कीप लविंग एंड कीप सपोर्टिंग।